हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए, खुश रहिए। तो आज है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के मौके पे मैंने पहनी है साड़ी और अपने बाल भी धोए हैं और मैं करने जा रही हूँ पूजा। वैसे यहाँ पे कोई शिव का मंदिर नहीं है, यानी कि जहाँ तक मैंने घूमने में मैं घूमी हूँ मुझे तो कहीं शिव का मंदिर नहीं दिखा, तो इस वजह से मैं घर पे ही पूजा कर रही हूँ। और हमारे वहाँ पे तो बहुत अच्छे से मनाते हैं शिवरात्रि को, यानी कि बहुत दूर दूर तक जाते हैं लोग। हमारे जो मतलब मेरा मायका है वहाँ पे भी पास में ही एक बहुत अच्छा मंदिर है भोलेनाथ का, वहाँ पे जाते हैं सब लोग, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं तो। पर कहते हैं ना कि भगवान को कहीं पे भी हो सिर्फ मन से याद कर लो, भले व्रत मत रखो लेकिन आत्मा से याद कर लो, तो भगवान सबकी सुनते हैं। और आप सभी का भी आज का व्रत होगा शिवरात्रि का, तो भोलेनाथ आपकी सब मनोकामना पूरी करें। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को नहलाऊंगी, राधा जी को नहलाऊंगी, उसके बाद जो मेरी पूजा है नॉन मतलब करूंगी। और मैं तो यहाँ पे भोलेनाथ की सिर्फ मेरे पास तस्वीर है, यानी कि उनकी जो शिवलिंग होती है मेरे पास वहीं पे है, हमारी तुलसी में रखी, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लेके आई उसको। तो पर कोई बात नहीं, मैं भोलेनाथ को आज दिल से ही याद कर लूंगी, भोलेनाथ तो मेरी सुनेंगे ही, जो भी कुछ मेरी इच्छा है सब पूरी करेंगे और सब आप सबकी भी सब इच्छा पूरी करेंगे। तो चलिए मैं अपने कान्हा जी को पहले स्नान करा लेती हूँ। जो लहंगा है ये अलग है, ये पीछे से इस तरीके से हम सेफ्टी पिन से सेट कर देते हैं। और अब मैं इनको पिंक वाली ड्रेस पहनाऊंगी, ये वाली ड्रेस निकाल के, तो इनकी जो thank you.